आपने जरूर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये व्यक्ति बहुत तेज है। ये तेज होने से क्या मतलब है? तेज होने से मतलब है कि उसका दिमाग तेज है। और किसी का भी दिमाग तेज हो, इसके चार पैरामीटर्स बताए गए हैं। पहला है मेमोरी, उसकी याददाश्त कितनी अच्छी है। सेकंड है लर्निंग, कितनी जल्दी वो किसी भी चीज़ को सीख सकता है, ये उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड है इसमें डिसीजन मेकिंग पावर, कितनी जल्दी निर्णय ले लेता है, कठिन परिस्थितियों में कितनी जल्दी निर्णय ले सकता है। और फोर्थ है अटेंशन, कितना जागरूक और सजग होकर अटेंटिव रहता है। ये चार चीज़ें अगर आपके पास हैं तो मतलब आपका दिमाग तेज है। और ये चारों चीज़ों की पूर्ति आपको एलमंड्स करवाता है, बादाम करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आलमंड्स की एक ऐसी रेसिपी के विषय में जो आपके दिमाग को तेज बनाएगी। और ये रेसिपी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत सिंपल है बनाना इसको, और ये अनुभूत प्रयोग है। अनुभूत माने पहले से बहुत सारे लोगों ने इसको आजमा के देखा हुआ है और ये काफ़ी समय से चली आ रही है, एक प्रकार से पारंपरिक पद्धति से बनी हुई चीज़ है ये। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर हम अनुभूत प्रयोगों की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वीकली आपको एक वीडियो मिलेगा और ऐसे अनुभूत प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जो सैकड़ों सालों से लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और जिनके प्रभाव बहुत अच्छे हैं, जो पहले से आजमाए हुए तरीके हैं। तो आज का हमारा वीडियो है मेमोरी के लिए, अटेंशन के लिए और दिमाग संबंधी समस्याओं के लिए। दोस्तों, आलमंड्स के अंदर वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी आपके दिमाग को आवश्यकता होती है। इसमें ज़रूरी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और हेल्दी फैट है। विटामिन्स के साथ साथ इसमें एक स्पेसिफिक विटामिन ई पाया जाता है जो प्रचुरता से मिलता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिससे आपकी ब्रेन सेल्स का कम से कम नुकसान होता है, ब्रेन सेल्स अच्छे से डेवलप होती हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता। तो दिमाग का एक प्रकार से सिंपल भाषा में समझें तो कम से कम नुकसान होता है। दूसरा, बादाम के अंदर मैग्नीशियम प्रचुरता से पाया जाता है। मैग्नीशियम आपके नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को रेगुलेट करता है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाता है और साथ ही साथ आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा और बेहतर बनाता है। साथ ही बादाम के अंदर L-carnitine और राइबोफ्लेविन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये क्या काम करता है? आपकी ब्रेन सेल्स को विकसित होने में मदद करता है। ब्रेन सेल्स जिसकी जितनी अच्छी होती हैं, उसका दिमाग उतने अच्छी तरीके से कार्य करता है। साथ ही बादाम के अंदर फेनिलएलनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो एक प्रकार का एमिनो एसिड है। और इसका कार्य क्या है कि ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस को अच्छा बनाता है। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या हैं? जो चार क्वालिटीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वही कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जिसमें मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग पावर, इन चारों को अच्छा करने का कार्य करता है ये। तो इसका मतलब है कि दिमाग के पोषण के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ें हमें आलमंड्स से मिल जाती है। तो चलिए, अब देर ना करते हुए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। दोस्तों, आलमंड्स की रेसिपी तैयार करने के लिए प्रतिदिन रात को सोने से पहले 7 बादाम की गिरियां आप मिट्टी के किसी छोटे पात्र में भिगो दें और उसको रात भर भीगने दें। सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश व्रेश हो लेंगे, उसके बाद इसका उपयोग करना है। क्या करना है आपको? पहले उन बादाम की गिरियों को आप छील लें। छीलने के बाद में उसको अच्छी प्रकार से पीसना है। पीसने के लिए आप मिक्सर या ग्राइंडर का उपयोग ना करें। अगर आपके पास कुंडी, सोटा हो, सिलबट्टा हो, कोई ऐसी चीज़ जिस पे बिल्कुल बारीक उसको पीसा जा सके और उसका सरफेस टेंशन भी ना बढ़े। मैं मिक्सी और ग्राइंडर के लिए इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर किसी भी पदार्थ के, खाद्य पदार्थ का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, उसके बोन्स टूट जाते हैं। तो आप सिलबट्टे का इस्तेमाल करें अच्छी प्रकार से, मलाई की तरह जब तक नहीं हो जाए, बिल्कुल बारीक नहीं हो जाए तब तक उसको पीसें। और ये बात आप समझ लें कि जितना बारीक और अच्छे से पिसा हुआ होगा, उतना अच्छा आपके ऊपर ये रिजल्ट दिखाएगा। पीसने के बाद में उन बादामों को 250 ग्राम उबलते हुए दूध के अंदर डाल देंगे और 3 बार उफान आने तक उसको चलाएंगे। उसके बाद उसको नीचे उतार के रख लें। उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो गाय का घी ऐड कर दें। गाय का घी A2 मिल्क होता है और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नीचे रखने के बाद 1 चम्मच उसमें गाय का घी ऐड कर दिया। उसके साथ में 1 से 2 चम्मच बूरा या खांड ऐड कर लेंगे और उसको ठंडा होने तक रखा रहने दें। उसके बाद उसको खाली पेट आपको उपयोग करना है। खाली पेट एक बार इसको पीने के बाद में आपको 2 घंटे तक कोई भी अन्य चीज़ का सेवन नहीं करना है। ये इसका प्रोसीजर और मेथड है। इस प्रयोग को आप 15 दिन से लेके और 45 दिन तक लगातार करके देखें, इसके चमत्कारी तरीके से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेमोरी शार्प होगी, दिमाग का अगर दर्द आपको रहता है, डिस्टर्ब रहता है माइंड,
सब में बहुत अच्छा है। बच्चों को इसका विशेष प्रयोग करवाना चाहिए और सर्दियों के अंदर इसका अगर प्रयोग करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, अगर आपको आँखों से संबंधित समस्याएँ भी हैं, आँखों की नेत्र ज्योति कम हो गई है, आँखों में खुजली चलती है, पानी आता है, तो जब बादाम पीसे जाएंगे उसी वक्त उसमें 4 काली मिर्च भी आप ऐड कर दोगे तो इससे आपकी आंखों की नेत्र ज्योति भी सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करके देखें, प्रयोग करने के बाद में कैसे आपके परिणाम रहते हैं मेरे साथ ज़रूर साझा करेंगे। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी हम बादाम तो खाते हैं, बादाम का प्रयोग तो हम पहले से करते हैं, इसमें कौन सी विशेष बात है। एक बात समझ लीजिए, ये जो तरीका है इसमें सिर्फ अकेले बादाम का इस्तेमाल हो रहा है, कोई अन्य दूसरी चीज़ साथ में ऐड नहीं की जा रही है। जैसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ खाते हैं, शरीर को उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में भी बहुत टिपिकल और जटिल हो जाता है शरीर के लिए। जब आप एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से करते हो और एक पर्टिकुलर टाइम तक करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इस उपयोग को करके देखें, उसके बाद आपके परिणाम कैसे रहते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चमत्कार तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, मैंने खुद इसका उपयोग करके देखा है, बहुत अच्छा है। अटेंशन बढ़ती है आपकी, मेमोरी शार्प होती है, मेंटली अगर किसी को प्रॉब्लम है जैसे सिर दर्द की समस्या है तो उसमें बहुत लाभकारी है। तो आज के वीडियो में यही था, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे ज़रूर से साझा करें। इसी सीरीज़ के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो हम जरूर लेके आएंगे नेक्स्ट वीक में। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।